पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का लाभ उठाओ मेरे बच्चे। आप बोलना नहीं, कहीं भी जगह मिलती है लीजिए और लाभ उठाइए। एक शुभ सूचना, वर्ष के बाद ये पावन दिवस आती है और अब दो नल और एक अभी नया लगा है और दूसरा भी नया ही है, तो ठीक पूरी सेवा कर रही है। मैं उनको राय दूंगा जो अपने पानी में खर्चा करें, जब गर्मी का मौसम आ रहा है, हाँ किसी और तरह कहीं प्याव खुला दो, किसी जगह जा बड़ा जरूरत हो। हम लोग शर्मन कर रहे गए, ये नारद जी के बहुत चोटी के सूत्र, कल की व्याख्या आपको बड़ी प्यारी लगी, इतना कह के मुझे खुश ना करो, ये कहो कि अब हम अपने जीवन में ढाल लेंगे। ये मेरे अच्छी बात की आपको व्याख्या अच्छी लग रही है, लेकिन आप साथ ही गए वो मन अगर तुझे अच्छी लग रही तो अपना ले, जैसे संसार में जो चीजें अच्छी लगती तो आप खरीद लेते थे, जिद करके मुझे अपने दिन याद है पिताजी के साथ जिद करके ले लेते थे। आपको ये चीज अच्छी लगी है व्याख्या, अपनी बना लो, अपने अंतःकरण में रख लो। 70वां सूत्र पूरा हुआ, चलो 71वें सूत्र की ओर। सब शांत देवियों, सब बिल्कुल शांत। मोदयन्ते पित्रो नृत्यन्ति देवता सनाता चयं भू भवति हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। वाह, जो कल के तन्मया उनका मन महाराज जी में तलीन हो जाता है ना, इसीलिए इर्द गिर्द वातावरण पवित्र हो जाता है। आज नारद जी से रहा ही नहीं जा रहा, उसी तन्मयता को और प्रेम से वर्णन कर रही है। मोदयन्ते पित्रो मोदयन्ते पित्रो, एकाग्र रहना, क्या उनके पितर नाच उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी पीढ़ी में से हमारे गोत्र में से कोई एक तो पैदा हुआ, कोई तो अच्छा हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वरना होते क्या, सारी गंदे पैदा होते हैं, कामी क्रोधी लोभी विरला। कोई किसी गोत्र में से एक आध पैदा होता है जो पूरे रुपये अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन अपना धन भगवान की ओर लगा दे और अपने एक एक श्वास अपने मालिक के लिए कंज्यूम कर दे। वेरी रेयर केस, वेरी मोस्ट रेयर केस। तो नर्द के तीन में देख रहा हूं, मोदयन्ते पित्रो, पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मन को शांति मिल जाती है। पितृगण हमारे फोर फादर्स अर्थात हमारे पिताजी जो शरीर छोड़ गया है, माता जी, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारी जो है दादी, नानी नाना, हाँ इनको बोलते हैं पितर, जो हमारे नजदीक की खूनी रिश्ता था, ये हमारे बिल्कुल नजदीक, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे नित्यंति देवता, ये सारे देवता झूमने लगते हैं, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, इंद्र देव, ये सारे नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनको भगवान दिखाई देते हैं। वायु चल रहा है उनमें भगवान देखती है, ओह हमारे भगवान जी को खींच लिया इसने। सूर्य निकलता है गदगद जाता है, ओह रब दा प्यारा जिसमें भगवान चमक रहे गए। धरती प्रसन्न हो जाती है, अच्छा जल देवता और गदगद हो जाता है, वरुण बोलती है वरुण देवता प्रसन्न, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है सारे देवता, तो उसमें भगवान की चमक दमक देखकर नाचने लग जाती है। किसने? जिसने अपने अंतःकरण को भगवान में तलीन कर लिया है। सनातन भूभावती,
क्या धरती अपने आप को क्या क्या कह रही थी, क्या समझ रही थी? बेवा, मैं तो बेवा हो गई। धरती भगवती, क्या मुझे किसी में भगवान ही नहीं नजर आता? अपना इष्टदेव, अपना पति, अपना खसम ही दिखाई नहीं देता। तो जब कोई ऐसा भगत होता है जो मन में खींच लेता भगवान को, धरती भी जू उड़ती है कि मेरे प्राणनाथ मुझे दिखाई देने लगे। शब्द क्या लगाया? सनाथ। पहले क्या थी? अनाथ हो गई थी, बेवा हो गई थी, या जिनके माँ बाप मर जाती हैं ऐसी अनाथ हो गई थी। अच्छा, पर अब वो जू उड़ती है धरती की, ओह मेरे नारायण मुझे दिखाई देने लगे। तो भी सनाथ, सनाथ का विपरीत अर्थ अनाथ। पहले धरती अपने आप को अनाथ समझती थी, नाथ मेरे स्वामी, हाँ अनाथ, उसको अपने स्वामी नहीं दिखाई देते थे। क्या नारद कह रहे हैं? देखो ना कितनी चोटी की महिमा गा रही है। किसकी? दोज हु आर रियलाइज्ड सोल, जिन्होंने अपनी अवस्था भगवान तक बना ली, जो भजन करते 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 महाराज जी के साथ में तलीन हो गए। शाबाश, वही हम सबकी आखिरी मंजिल है। नारी का चोला जी, बेटी मैं आपके साथ हूं, चलो एक बार यह भी मजा ले कि जो जीवात्मा अंदर है उसमें तलीन करें अपने मन को। और यह कब होती है? जब लगन लग जाए। कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी बिना लगन के नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यह भगवान का नियम है। लगाई थी लो जिसी हासिल हो, मेरे और आपके वश की बात नहीं हो मेरे सज्जनों। ओ मेरी भोली भाली कल्याण कामनी देवी हो, डिवाइन लॉ, इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, ये दैवी प्रकृति का दैवी नियम। ओए होए, दैवी प्रकृति का दैवी नियम। क्या मैं मगाई? नारद ने कमाल कर दिया। मोदियंते पितरो, पितर झूम उठते हैं, नित्य अंति देवता, देवता नाचने लग जाते हैं। सनाथी सनाथा जायम भूभवती, क्या धरती सनाथ हो जाती, धरती अपने मालिक को देखे ले जाती। ओ मेरे भगवान जी आ गए, वो मेरे भगवान चमक उठती हैं। मतलब क्या हुआ? ऐसा पहुंचा हुआ भगत तन माया जिस जो तलीन हो चुका है भगवान के अंदर, इन सारों के लिए दर्पण बन जाता है। ओए 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 ओए, सारों के लिए जस्ट बिकम्स ए मिरर, क्योंकि ये सारे उस शीशे के जैसे हम शीशे में अपनी को देखती हैं। ओ तो क्या हुआ? ऐसों के अंदर ये सारी देवी देवता धरती अपने नारायण को देख लेती है। ऐसों के लिए ये क्या बन गया? नारायण का मिरर, नारायण का लुकिंग ग्लास, नारायण का दर्पण। वाह, परमात्मा करे आप सब बन जाओ। इस जन्म में प्रभु जी ने हमें अपनी गीता दी, गीता को समझने की बुद्धि दी, समझाने वाला आपको ट्यूटर भेजा। मैं तो ट्यूटर हूं, लड़का हमारा कमजोर होता है अंग्रेजी में, ट्यूटर रख देती है अंग्रेजी में कमजोर, उसी सब्जेक्ट का ट्यूटर। हाँ हम परमार्थ में कमजोर थे, रब ने ट्यूटर भेज दिया कि जाओ इनकी कमी को दूर करो। मेरे जैसे तो ट्यूटर है, जैसे आपने घरों में लड़के लड़कियों को रख दिए बिना ट्यूशन के, लड़के कौन ही पढ़ते? आपका मन भी इसी तरह है, बिना ट्यूशन के उनको रुपया देना पड़ता है, मुझे कपड़ा और रोटी देनी पड़ती है, भाई इतना ही फर्क है। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें वो फेल होते हैं। मैं आपको आपके परमार्थ की बातें बताई जा रहा हूं, तरक्की कर जाओ। हमारा इम्तिहान कब होता है? जब हम संकल्प विकल्प से खाली हो जाए। हमारी यही परीक्षा है। देयर शुड बी नो संकल्प विकल्प एट ऑल, नो थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। मेरे पास अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं है, नो थिंकिंग, हाँ बाबा, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। बड़ी गंदी बीमारी है इंसान के अंदर, पहले सोचना फिर छोड़ पड़े, उसको डी थिंक कर देना, थोड़ी बार फिर वही सोचे लग जाना, रब्बा मेरे आए, जो चीज उल्टी की थी उसको फिर चाटता है। इसको बोलती है संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। अंग्रेजी बोलोगे थिंकिंग, फिर डी थिंकिंग, फिर मैं क्या बोलू? री थिंकिंग। इस बीमारी से बच जाओ मेरे बच्चों, बच जाओ। मेरे रब ने मुझे बचा लिया, आप भी बच जाओ संकल्प विकल्प से खाली। किसके संकल्प विकल्प करें? इच्छा कीजिए चलायमान, टिकने वाली थोड़ी, हमारा साथ देने वाली है। बस आप इनकी सेवा करो, सेवा करवा लो, दैट्स ऑल। आप दिन गिन रही हैं, चले जाएंगी चीजें, तो फिर हमारा मन खाली जाएगा भगवान का चिंतन। मालिक, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ उसका हमें चिंतन करना। कुर्बान हूं मैं, कुर्बान हूं मैं, कुर्बान। सिंपली वी हैव टू थिंक, कंटेम्पलेट, पॉन्डर ओवर।
जल्दी कर लो, जल्दी एक एक घास के किनारी चोले में। जितनी देवी अपने पर दया कर मेरी बेटी, अपने पे दया करो। मैं क्या शब्द बोलू, अपने पे दया करो आप, अपने पे दया करो। माँ ने आप पर दया की, बाप ने दया की, पहले भाइयों ने दया की, श्री मां ने दया की, हाँ अब देवी देवता भी आप पर दया की जाए, हाँ धरती भगवती ने भी दया की, अब अपने पे दया करो। अब मैं अपनी बेटियों को बार बार कहूंगा नारी का चोला है और बड़ा अजीब चोला है कलयुग के अंदर, और जो दिन गंदे आ रहे हैं आपके लिए आफत है, हमारे लिए आफत है। बिल्कुल मैं सच्चाई की शब्द कह रहा हूं, जो दिन आगे कलयुग के आ रहे हैं नारी के लिए आफत मुसीबत है, समस्या। आपको ये शरीर आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा, ये शरीर इतने गंदे इंसान, इतने गंदे लड़के, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इस शरीर को मेंटेन करना, बाजारों में घूमना, बाहर जाना, इतनी कामुक वृत्ति बढ़ जाएगी। अब तो मेरे मालिक ने आपको बड़ा अच्छा मौका दे रखा है, क्योंकि कामुक वृत्ति को रोकने का तरीका धार्मिकता, और वो धर्म धर्म कम होता जा रहा है, तो आफत नारी की आ जाएगी। मैं बिल्कुल सच्चाई की शब्द धर्म करने पे तोड़ के बोल रहा हूं, जब ये गंदा पीरियड आ रहा है अभी कल्याण कर जाओ। विघ्याण पैदा होंगे इंसान की सूरत में, शैतान, विघ्याण, विलासी, गंदे आदमी, राक्षस। तो मेरे बच्चे अभी भगवान ने दिया और आपको इतना अच्छा मौका, इतने एकांत में, और घर वाले चुप है, आपके पुण्य है कुछ, नहीं तो घर वालों को क्या होता, उनको काम प्यारा है ना के ही क्या बोलू चाम, उनको आपका चमड़ी प्यारी नहीं, उनको तो अपना स्वार्थ प्यारा। तो फिर अपने स्वार्थ छोड़ के आपको भेज देती हैं, आपने कोई पुण्य कमाए हैं जो भगवान के मुंह पर दो ढाई घंटे के लिए ताला लगा देती। अच्छा तो मौका उठा जाओ, पूरा लाभ उठा जाओ मौके का, कि मैं भी कुछ ठोस रूप में कर लू। और मैं बेटी ये शरीर जो आपने गलती से ले लिया, ये एक आफत का, आफत की जड़ है, आप भी समझ जाओ मेरे बच्चे। दिन ब दिन धार्मिकता देश में घटती जा रही है, दिन भी सत्संग ये घटते जा रहे हैं। ये सत्संग मैं मिठू बन रहा हूं, सत्संग गीता जी का नहीं, बहुत मुश्किल, असंभव असंभव। बाकी तो मैं इलानिया कहता हूं जरूरत करके, पूरे सत्संग ही नहीं है। संपूर्ण सत्संग होता है जब भगवान जी की वाणी को समझा जाए, अर्थात गीता को समझा जाए। इतना छोटी का शास्त्र मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है, आप भी जरा कदर कीजिए, कितना चोटी का शास्त्र जो रब ने हमें अवतार लेके दे दिया, जिससे हमारी बिगड़ी बन जाती है। आहा, जैसे माँ का हम एहसान नहीं कर उतार सकते, बहुत कुर्बानियां करती है माँ, इसी तरह हाँ भगवती गीता का भी एहसान नहीं उतार सकते, जो हमारी मन माँ ने क्या हमारे तन को पाला, गीता हमारी मन बुद्धि को पाल रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, विकसित कर रही है। कौन, गीता हमारी मन बुद्धि के लिए है, और मां जिसने जन्म दिया वो हमारे सथूर शरीर के लिए। तो मां ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो क्या चीज पढ़ाई, कमाने की विद्या दी बेटे, कमाने की, कि हम 2000-3000 वो भी जरूरी है, नहीं तो भूखे मरते कहां कर रुपया कमाते। आपको कमाने की विद्या दे दी, 4000 कमा लो, 5000 कमा लो, रोटी कपड़ा और मकान खुला मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि स्थिर रहे ना, मन बेचैन ना हो। इतना कमाते हुए भी मन आपका बेचैन, क्या कमाई कमाई, इतना कमाते हुए बुद्धि सखेरी नहीं रहती, इरादा ना हो जिसका, क्या ये चारों ओर बीमारी नहीं फैल गई आज, रहेगा ख्यालों में। इसी को आप अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं टेंशन, जमा करा क्या, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारी टेंशन में है, क्या उलझे हुए, बिल्कुल उलझे हुए दुविधा में, अपने नाड़ियों का तनाव खींचाव में है, क्या करूं कोई समझ नहीं आती, ये है टेंशन, यह है तनाव। क्यों हमें सुलझाया ही नहीं अपने आप को, उल्टे पुल्टे इरादे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं, उसका परिणाम यही होता है, उसका परिणाम यही, महापुरुषों में लानत मारते हैं, हमारी बुरी आदत, तुमने पदरी नहीं की, तुमने धार्मिकता रखी नहीं, तुमने शुभ विचार रखी नहीं, शुभ कर्म किए नहीं, अनेकों की दुआएं ली नहीं। कबीर जी तो बड़े नाराज होते हैं, बोए पेड़ बबूल के, आए जी माफ कर दो, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए, जब तूने बोए किक्कर आए तो तुझे आम मिलेंगे, करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए, जो जो करना था वो तो किया नहीं, और गंदे रहते गंदे विचार, गंदे कर्म, गंदी संगत करता रहा, उसका फल भोग, फल शारीरिक रोग, मानसिक रोग और पारिवारिक कमियां, ये तीन प्रकार के रोग, आदि व्याधि और उपाधि। हाय हाय, बोए पेड़ बबूल, बबूल कहते पुत्र किक्कर,
जिसमें इतनी तेज कांटी होती है, तो आम कहां से खाए? है क्या दृष्टांत का गजब का है? मैं आधी बोलता हूं, आधा आप बोलना जरा। वही पेड़ बबूल की, मन को मारो लानत, वही पेड़ बबूल की, बोल कमलिए बोल, अंदर रहने वाले रब ने खुश कर, वही पेड़ बबूल की आम कहां से खाए? जब मैंने बोया ही क्या है, धान है, तो मेरी गेहूं कहां से होगी? आएगा आएगा, जब मैं बोई हरर की दाल है, हाय आहा, तो मुझे माश की दाल कहां से मिलेगी? हाँ, जब बोई मैंने लाल लाल दाल और मसूर की दाल, तो फिर मुझे वो दूसरी दाल कहां से मिलेगी? ये जन्म में फिर कहूंगा मेरे देवियों सफर कर लो, है ये मौके नहीं मिलते, ये मौके नहीं मिलते, कलयुग में नहीं मिलते। वो अपने पर दया करना, ओ नेक जीवो, कोई गीता का अनुयायी, गीता का प्यारा, गीता का दुलारा आपको कह रहा दे, ये जन्म सफल कर लो, लगाओ एड़ी चोटी का जोर कि मैंने इस अवसर को नहीं जाने देना। काका घोर कलयुग में ये कहां मौका मिलती है? सबका जोर सिनेमा में, क्लबों में, शराबों में, आपके पीछे कुत्ते बन के धक्के खाने में, कितनी गंदगी फैल रही है समाज के अंदर, देख रहे हैं मेरे बच्चे? बिल्कुल, लव अफेयर करने में ये क्या गंद मचा हुआ बच्चे। और फिर ऐसे वक्त सत्संग, अपना निरीक्षण करना, अपनी बुराइयों को देखना, अपनी बुद्धि की ओवरहॉलिंग, अपने मन को के विचारों को रीबिल्ड करना, अपने कर्मों को सुंदर बनाना, हाय अपने परमार्थ को की बनाने की स्कीमें चला, आए कहां घोर कलयुग के अंदर? आप कोई सन्यासी नहीं, आप कोई वनवासी नहीं है, ना सन्यासी ना वनवासी, आप तो गृहस्थी हैं, व्यवहार के अंदर है, राग द्वेष में है, कौन सा पुण्य किया आपने? हाय कौन सा पुण्य किया? ये मेरे भगवान ने अपनी वाणी आपके हाथों में थमा दी, जैसे रसखान के कई बोल मुझे बड़े हिला देती हैं, वो बहुत ये उनमें एक बोल कितना हिला देता है। रसखान कहती है, एक दिन मैं उधर बाहर बैठा हुआ था, मेरा दिल किया अंदर मैया है यशोदा जो अपने कान्हा को माखन की खिला रही है, तो मैंने एक दीवार के अंदर छेद कर दिया और सचमुच मैंने देखा अंदर कान्हा को मैया सुंदर था ध्यान से माखन खिला रही है, यूं यूं दे रही है, वो कुछ गिराई जा रही है। इतने में मैया को कुछ काम पड़ा था, वो जो रोटी थी बासी वो देखी चली गई, कान्हा उस रोटी को लेकर के गिरते उठते आगे चले और वो बड़े ध्यान से एक आंख से रसखान देख रही है। हाँ इतने में कौवे ने झपटा मारा और भगवान से छीन के क्या माखन रोटी ले गया और रसखान कलेजे को पकड़ता रह गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, ए मेरी सखी, हाँ काग के भाग बड़े बड़े चोटी के है, मैं तरसता ही रह गया पर काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन। कलयुग में भाग बड़े सजनी हो मेरी बेटी, कलयुग में बड़े अच्छे भाग मेरे मित्रों, क्या हरि ने हाथों में थमा दी गीता, वो तो रसखान की बात है ना, हम तो इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो देखी थी तो रसखान ने अपने श्रीमुख से कही, रसखान ने देखा ना ये, पर ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे भाग बड़े मित्रों हरि हाथ पे समा दी गीता। आहा हमारे भाग बड़े अच्छे हो मेरे मीता, जो हरि ने हाथ में थमा दी गीता, ये प्रत्यक्ष आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। घोर कलयुग के अंदर गीता, तर जाओ मेरी बेटी हो, तर जाओ, कितना अच्छा कह रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति आ जाती है, जिसमें भगवान का दिव्य प्रेम जाग उठता है, जिसका मन भगवान जी की ओर झुक जाता है। हाँ क्या होता है, मोद्यंत पित्र नित्यंत देवता सनाथा चयम भू, पित्र प्रसन्न मोदन तक गदगद हो जाते हैं, अच्छा देवता नाचने लगते हैं, अच्छा धरती सनाथ हो जाती है, धरती अपने स्वामी को देखकर क्या बस हर्षोल्लास में भर जाती है कि मेरे स्वामी आज बड़ी मुद्दत के बाद मैं अपने प्रभु को देख रही हूं, परमात्मा आपकी भक्ति सिरे चढ़ाए, मेरे मालिक आपकी इस भक्ति को कामयाब करें, यही मेरी इच्छा है मेरे बच्चों, कामयाब कामयाब हो जाए, मालिक कृपा कर दे, बहुत कृपा की मेरे प्रभु ने, बड़ी कृपा की।
चलो आगे चले। नास्तितेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। साथ और क्लियर कर रही है कि वो इतने अंतःकरण के निर्मल हो गई है भगत। हाँ, उन्हें कोई जाति का भेद नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मेरी ये कुल जाति है ना, उनमें यह भाव ही उड़ जाता है, तभी तो उनका अंतःकरण निर्मल हुआ। और क्लियर दे रही है, मैं स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन में और शानदार दे रही हूं मेरी देवियों। उनमें जाति भेद का कोई मान नहीं रहता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये कुल है, मेरे मेरी मैं फलाने, मेरा गोत्र है, मेरा विशिष्ट गोत्र है, लोगों को यही अभिमान होता, मेरा भारद्वाज है, नहीं तू की समझ नहीं मैं मेरा मेरे तो इधर कंधे भी लाएंगे तो छाते भी लाएंगे, और बड़ी मैं तो हैरान होता अभी कितना अभिमान की भी कितनी शक्लें होती हैं। हमारा तो ये गए, हमारा तो वो गए, हाँ हमारे तो सारे कुल में रब दे ही प्यारे पैदा होते ना, वाह वाह। तो लेकिन जो सच्ची भगत है वो नारद कह रहे ना, उनमें जाती है कोई अभिमान नहीं होता, वरना विद्या का हम तो इतने पढ़े हुए जी, हमने तो ये कर दिया, ये भी उन पर अभिमान नहीं होता। अच्छा, उनमें रूप का अभिमान ही कोई नहीं, मेरा कभी अभिमान हुआ है, सुखो भाई के कभी अभिमान हुआ, कितनी रूपवती थी ये है, ये इतनी बारी भूल गया भगवान के दिव्य प्रेम में, ये सब कुछ भूले फिरती हैं क्या, कुल का उनका कुल बड़ा अच्छा होता है, धन का लाखों पति होती है वो, और क्रिया का भगवान उनसे उत्तम कार्य करवा लेता है, ये किसी का अभिमान, उनको ये अभिमान है कि परमात्मा ने हमें अपना लिया है, हम परमात्मा के प्यारे बन चुके हैं, ये उनको इसको अभिमान नहीं बोलते, इसको इसको क्या बोलती है, इसको अभिमान ही बोलते, गर्व बेटे गौरव कह लो या गर्व, गर्व अच्छा चलते, उनको गौरव होता है, जिसको उर्दू बोलते हैं फखर, नाज, नाज कह लो उर्दू शब्द हो गया ना, नाज या फखर, उनको फखर है, उनको नाज है कि परमात्मा ने हमें खींच लिया है, उनको नाज है कि जो गीता में लिखा हुआ है भगवान ने हमारे पर अप्लाई कर दिया है, क्या क्या क्या, क्या? घर उनके दिल में बनाता हूं, यही उनको नाज है, ये उनका गौरव है कि ये श्लोक हमारे पे लागू हो रहा है, इसलिए उनको ये नहीं होता क्या भक्तों में ना जाति का अभिमान है, ना विद्या का, ना रूप का, ना कुल का, ना धन का, और ना किसी शुभ क्रिया, हम इतना दान देते हैं जी, हम कुड़ियों को ये बिल्कुल भी नहीं, उनको ये रहता ही नहीं, इसलिए उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और निर्मल अंतःकरण भगवान विराजमान हो जाते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु वही विराजमान हो जाती है जिनमें ये अभिमान छोड़ जाती है, देखते रहे ना आप में कोई भी ना हो, नारद जी ने क्लियर कर दिया आपके अंदर जाति का तो अभिमान तो नहीं, ऐसा तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया, वरना मैं कईयों को कह भी देता हूं नहीं नजर आया, विद्या का मेरी किसी बेटी को नहीं, चाहे बहुत पढ़ी लिखी हो, मुझे ऐसा कोई आप में दिखाई नहीं दिया, तीसरा रूप का सुंदर हो तो आपको मैं ऐसी कोई बेटी नहीं देखी कि जिसको अपने रूप का और अपनी सुंदरता का, भगवान की बड़ी कृपा, मेरे मालिक बहुत कृपा कर रहे हैं आप सब पर, उसके बाद कुल का किसी को नहीं, कुल अभिमान बिल्कुल भी नहीं, धन का ये है कुछ में, मैं जिसको कह रहा हूं जरा ध्यान देना, ये कमजोरी आप पे है, ये कमजोरी है, ध्यान दे लो मैं जिसको कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका, जरा देख लो ध्यान से, धन का है अच्छा निकाल दो, धन किसका, धन को क्या बोलती है, धन का दूसरा शब्द क्या है, धन का लक्ष्मी, लक्ष्मी क्यों नहीं बोलती, तो लक्ष्मी किसकी, लक्ष्मीपति की, नारायण की, तो ये क्यों नहीं कहते ये धन जो है मेरी मालिक का है, ये लक्ष्मी मेरे प्रभु की है, जो मालिक ने हमें दिया है उनकी अमानत, तो ये अभिमान इसी वक्त बैठे बैठे चला जाएगा, ए मेरी एक दो तीन चार पांच छह बेटियों, ए सात आठ नौ बेटियों, ये भी फेंक के मारो परे, कुछ मेरे इधर भाइयों को भी है मेरे पुत्र, जो पिताजी आपके धनाढ्य है, लक्ष्मी मुस्कुरा रही है आपके घर के अंदर, आपके आंगन में, मैं मानता हूं आपके बैंक में बड़ी मुस्कुरा रही है, लेकिन है किसकी, तो कुछ लेके आए थे, नहीं कुछ ले जाएंगे, देला भी लेके नहीं जाना, हमारे वक्त तो 64 पैसे 13 रुपए के, अब तो 100 हो गए, एक भी छोटा पैसा लेके नहीं जाना हमने जाती बात, हाँ तो कैसा अभिमान, मेरे जिन जिनकी ओर इशारा हो रहा है समझ जाओ ना, हाँ कि बाबा हमें कह रहा है छोड़ दो, पर ये भी क्या अभिमान, बस मेरा इतना काफी, मेरे को कह नहीं बार बार प्रसंग चला है, मैंने कईयों को इशारा कर दिया, तो बस कोई भी मानी, मैंने क्या, मैं तो रब का प्यारा, शुक्र है कि जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, हाँ वो भक्ति मेरे भगवान ने आपको दे दी, जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती वो मेरी मालिक ने दे दी,
अपना सारा जेवर, दो तीन बताए बैठे जिनके पास जेवर शेरों में तोला जाता। कहीं पुलिस ने मेरे से पूछे कौन है वो, मैंने कोई बताना, मुंह से निकल गया है मेरे दातिया तेरी मर्जी, इतना सोना आपने दे रखा है। हाँ, पर आप ये मन में सोच लीजिएगा क्या कि सारा सोना तू दे देना मेरे पुत्र तो भी भक्ति नहीं खरीदी जा सकती। जो रब ने आपको अनमोल क्या खजाना दिया, भक्ति का खजाना, ऐसा खजाना आप सबको मिल गया है जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। ऐसा खजाना रब ने दे दिया जो संसारी खजाने से, प्यार से कहो जरा, ऐसा भक्ति का खजाना भगवान ने दे दिया जो संसारी खजाने से, जो संसारी खजाने से। अरे जानदार शब्दों में, ए भरावा भाई, ए मेरे भैया, ऐसा भक्ति अनमोल खजाना रब ने दिया है जो संसारी खजाने से नहीं मिल सकता, संसारी खजाने से नहीं मिल सकता। कितने अच्छे भाग आपके, ऐसा अनमोल खजाना जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। तो हमें तो यही मान है, हमें यही गर्व है, हमें यही फखर है। नहीं नहीं, हमारा रोम रोम को नाज है। ऐसा खजाना जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। जी सरकार, यू आर मोस्ट लक्की, मोस्ट लक्की। कितने अच्छे भाग्य है आपके मेरी बेटी। धन का क्या, धन का क्या, भगवान ने वो दे दिया जो धन से नहीं मिल सकता। यहां तक मैंने शास्त्र में पढ़ा जिसे कुबेर जो देवताओं का खजानची है वो भी अपना इतना खजाना दे के भक्ति नहीं खरीद सकता। ऐसा खजाना मेरे मालिक ने आपको दिया। देवताओं के खजानची का नाम क्या है, कुबेर। कहीं घर में जाके ना बना देना बेर, बेर नहीं कुबेर। कुबेर के पास भी इतना खजाना नहीं को भक्ति खरीद सके। वाह वाह, बहुत सुंदर। हमें नाज है कि हमें भगवान ने वो खजाना दिया है जो संसारी खजाने से खरीदा नहीं जा सकता। बस हमें ये नाज छोड़ दो धन का, आपको तो धन से भी ज्यादा एक अनमोल धन मिल गया, धन से भी ज्यादा अनमोल आपको खजाना मिल गया, भक्ति का, प्रेम का, हाँ उपासना का, हाँ भगवान की ओर झुकाव का। आए खाए, अति सुंदर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितनी महिमा गाई जा रही है नारद। अब देखिए अपनी पिछली बात को जो प्रसंग चलाया था, हाँ इस पर जोर देने के लिए 73वें श्लोक में क्या कमाल करते जा रहे हैं कहते हुए, यत्तातरिया। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, नारद कह रहे थे यत्तातरिया, जो मैंने कहा है क्योंकि वो उसी के बन चुके हैं, परमात्मा के बन चुके हैं, इसलिए जो मैंने गाई है वो कोई मैंने ऊंचे बोल नहीं बोले, मैंने धर्म कंडे पे तोल के शब्द बोले। तत्तातरिया शब्द देखो कहां से ढूंढ लिया नारद जी ने, वाह यत्तातरिया, क्योंकि वो उनको जो ले चुके हैं, उनको अपना बना चुके हैं। वाह वाह, इसलिए जो मैंने महिमा गाई नारद जी की ओर से बोल रहा हूं वो मेरी बिल्कुल ठीक है, मेरा कहना 100% राइट है, क्योंकि वो जो उनको बन चुके हैं, उनके हो चुके हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, जब उनके बन चुके तो फिर तो सब कुछ जो मैंने कहा कि ठीक कहा है मैंने। कोई कल ये ना बकवास करे कि नारद जी ऊंचे बोल गए हैं, नारद जी अतिशयोक्ति से काम ले गए हैं, या नारद जी एग्जेजरेट कर रहे हैं। नहीं, मैंने अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया। अतिशयोक्ति शब्द होता है बात छोटी सी और बहुत कुछ बना जाना, बात छोटी सी और बड़ी बातें कर जाना। वाह वाह वाह, मैंने ऊंचे बोल नहीं बोले, शाबाश शाबाश। किसी गरीब आदमी ने एक लाखोपति सेठ को, हाँ किसी बात से भरी जनता में शर्मिंदा कर दिया। अच्छा, भरी जनता में शर्मिंदा कर दिया। बड़े बोल में बता रहे, बड़े बोल किसे कहते हैं, बढ़ चढ़ के बात बनाना किसे कहते हैं, अब एग्जेजरेट करना किसी बोलते हैं, एग्जेजरेट करना किसे कहती है, बढ़ चढ़ के बात बनाना किसे, किसी ना पता हो मैं बताता हूं आपको। हाँ तो उस एक गरीब आदमी था और इतने बड़े सेठ को भरी सभा में किसी ऐसी उक्ति से शर्मिंदा कर दिया, सेठ बोल नहीं सका, यूं हाथ रख लिया। तो बाद में उसके खुशामदी उसके चाटुकार आ गए कि वाह वाह वाह, कमाल कर दी तुमने सेठ को, जिसकी शहर में तूती बोल रही थी, आपने ये बातें कहा ही कर दिया यार, तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। यार मैंने क्या कमाल किया, उसको युक्ति रब ने दे दी, मैंने बोल दिया। अजी क्या, और खुशामदी काम यही होता है,
छोटी बात का बतंगर बनाना और उनसे भी कुछ इनाम लेना। आपने आपने वो किया जो बरसों तक किसी ने किया। हमारी 40 साल, एक ने मेरी 45 साल, एक ने मेरी 50 साल। मैंने इतने सालों में आप जैसी युक्ति कहीं देखी? वाह वाह, कमाल कर दिया, ना तीर चलाया ना भाला और सेठ को बात ही बात में कत्ल कर डाला। ना तीर चलाया ना भाला और सेठ को बात ही बात में कही होते ऊंचे बोल, ना तीर चलाया ना भाला और सेठ को बात ही बात में कत्ल कर डाला। तो नारद कहते कल कोई बकवास ना करे कि मैं ऊंचे बोल बोल गया हूँ या मैं भक्तों का खुशामदी हूँ। नहीं, मैंने जो कुछ कहा है मैंने अंदर की आंख से देख के कहा। तत्ता तदीया यत्ता तदीया, क्योंकि वो उन्हीं के जो बन चुके हैं, उन्हीं में जो एक में हो चुके हैं, इसलिए जो कुछ मैंने कहा है मैं अपने ज्ञान चक्षु से कह रहा हूँ, मैं अपने दिव्य चक्षु से कह रहा हूँ। कल कोई काटने की जरूरत ना करे, कल कोई इनके ऊपर वाद विवाद ना करे, या ये ना कहके ये तो बात मढ़ा के कहेगी, बात तो पाया थी और ये शेर की बात कहेगी, बिल्कुल भी नहीं, जो कह गए बिल्कुल इतनी बात बिल्कुल ठीक कह गई। पितर नाच उठती है, देवता गदगद हो जाती है, धरती प्रसन्न हो जाती है। हाँ, ऐसे भगवान के प्यारे को देखकर, क्योंकि जनता को भूत लाभ हो जाता है, ये प्रसंग वो पूरा कर रही है। अब प्रसंग पलटा खाना चाहता है और हमें अब कहना चाहते हैं क्या, अब आ गया हमारे सामने क्या 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 74वां सूत्र। बड़ी जोरदार चेतावनी दे रही है, पहले भी नारद जी ने चेतावनी दी है। जैसे डॉक्टर साहब, मैंने कहा था दवाई देते हैं तो साथी कहते हैं भाई ये परहेज भी करना है। परहेज को हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या करें, मेरी जबान पर परहेज चढ़ा हुआ है संयम। ये आपने संयम से काम है, जरूर मैं संयम से कर, मेरी दवाई में असर कोई नहीं करना। रोज की 50-60 रुपए की दवाई है, ये अपना असर छोड़ देगी, ये नहीं करना। जो आगे मैं ऐसे ये संयम या अपने आप को परहेज करना, अच्छा प्रिवेंशन करना, तो हम नारद कहते हैं एक प्रिवेंशन और दे। क्या? ये आजकल आम बीमारी चल रही है, कोई प्रिवेंशन नहीं करता। हाय, कोई नहीं करता। वो नारद सारों को मत दे देना, आप में भी कहीं में कमजोरी है। मैं कहीं को पकड़ पकड़ कहते रहता ना, पुत्र तुझे क्या लेना देना, तुझे क्या, कई भाइयों में भी है खाम खा पंगे ले लेते हैं। क्या कह रही है? वादो ना अवलंबिया, वादो ना अवलंबिया, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे 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 मेरे भक्तों, नारद जी कह रही है, अरे मेरे भक्तों जी, खबरदार, सावधान, सजग जी, कहिए क्या बात। अरे भगवान की जात में तनी उड़ाने वालों, अरे अपना कल्याण रखने की शुभ इच्छा रखने वालों, जी जी नारद जी, अरे मैं आपको गर्मा गर्म चेतावनी दे रहा हूँ, क्या जी, किसी के पास बैठकर वाद विवाद नहीं करना। वाह वाह, गर्मा गर्म चेतावनी, गर्मा गर्म जो है दे रही है प्रेस। अरे किसी के पास बैठकर वाद विवाद बहस विवाद से आलोचना नहीं करनी, भगवान की, भगत की, गीता की, महापुरुषों की। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल इससे बात बढ़ जाएगी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आपकी भक्तियाँ फर्क पड़ जाएगा, वाद विवाद में आकर पर्दे पड़ जाती हैं, वो जिद में होता है, आप भी जिद में है, वो भी नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे, तो बात बड़ा आ गया अहंकारी आदमी, मैं अहंकारी, अहंकारी तू अहंकारी, करे माँ अहंकारी, करे प्यो, बात और बढ़ती जाएगी, मैं अहंकारी, अहंकारी तेरा घर वाला, अहंकारी तेरा पुत्र, अहंकारी कही की समझे, बात कहाँ थी और कहाँ से कहाँ निकल गई। अहंकारी होगा शनिवार, अहंकारी होगा मंगलवार, मैं तो क्यों, मेरा सोमवार का दिन है, मैं अहंकारी क्यों, दो में मेरे बात बात निकलनी कुछ नहीं और बात बढ़ती जाएगी। तो नाथ कहना खबरदार, इस भक्ति की बातों को लेकर किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। ओ कईयों में कमजोरी जी, ओए सजनो, ओ मेरी देवियों, कईयों में कमजोरी है, वाद विवाद कर लेते कई और गुरु के, उनको साथ वो बढ़ चढ़ के बातें, ठीक है आपके लिए वो ठीक है शास्त्र, हमारे गीता ठीक है, हमारा कल्याण होता जा रहा है, बड़ी कटाक्ष करेंगे बाजार में, चूंकि आमतौर कटाक्ष करता कौन है जो अपनाता नहीं, आपस में बैठ के कौन बकवास करती है जिन्हें रोटी खानी शुरू नहीं की, अगर खानी शुरू कर देगी तो कोई नहीं कहेगा सब्जी ऐसी है तो रहता है ऐसा, जिन्होंने खानी शुरू को बोलेंगे नहीं, जो बोल गए अब रोटी खानी रहे, जो वाद विवाद कर रही है वो अपनाते ही नहीं, और अपनाने वाले आपके सबके सिरों की कसम कभी वाद विवाद नहीं करते। हाय 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 हाय, मंजिल मेरे गुरुदेव कहा करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते और जो शिकवों में उलझी है वो पहुंचा नहीं करते। इसलिए कोई गीता पर कटाक्ष करेगा, कोई मेरी पर कटाक्ष करेगा, कोई स्थान पर कटाक्ष करेगा, सुनते रहो आगे उसकी बात काट जो आप कह रहे हैं ठीक है। कोई गली वाले कटाक्ष करेंगे और तो और तुम्हारे घर वाला जिंदा रहे रात करे और आपकी उम्र उसको लग जाए, क्यों मेरी मतलब मेरी कल मेरे में भक्ति कमानी है तो चलो मैं अपनी शोर वापस ले लेता हूं।
घरवाला कटाक्ष करता है, घर वाली जो राम प्यारी है वो कटाक्ष करती है आपके ऊपर। हाँ, और तो और पुत्र, हाँ वो कटाक्ष कर ले दो। पुत्र आपको क्या पता, उन्होंने की पता जिन्हें ला के ने दिखी है, या उन्होंने को पूछो जिन्हें ला के दिखी है। जग वाली पिसाई प्रभु वाली प्रीत सारे जग नालू मिट्टी ते जहान नालू मिट्टी, पर उन्होंने की बिना दिक्कत गीता की सार नहीं ली। गीता का असर सार जाना ही नहीं, तुम्हारी गीता में तो ये है जो कह रहे हो ठीक है, हाँ कर दो कटाक्ष न कर। गीता पर कटाक्ष वो चलेंगे, बोलने वाले पर कटाक्ष, गीता पर कथान पर कटाक्ष, उन्होंने तो कटाक्ष ही करना, चाहे जो मर्जी करो उन्होंने कटाक्ष मार रहे हो, चाहे आप कैसे भी हो। अगर बहु सास ने लड़ना है ना, कहावत मशहूर है, सास ने पंगा जरूर लेना है अपने इसके साथ है, अपनी बहू के साथ, तो जरूर पंगा लेगी, और कोई देखेगी कोई इसने गलती की थी नहीं, तो और कोई है नहीं, या चंद्रिये मर जा तेरा बेड़ा गर्क, आटा मलदी पहले हिलती क्यों पई है, आटा तो मल ले हिल लेके कोई टोना करनी पई है, आटा मलेंगे तो हिलेगी तो जरूर, तो कहावत है आटा मलदी हल्दी क्यों, आटा मलदी हल्दी क्यों, लड़ना जो है वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, सारों का मेरे नारद जी कह रही है और मैं भी जोरदार शब्दों में कह रहा हूं, बहस में बात सी, वाद विवाद क्रिटिसिज्म आलोचना उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, चाहे पिट मरो ना सवेरे से शाम तक आप किससे बात करो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो समाया हुआ ठीक है और आपकी बुद्धि में जो समाया वो पिट मरे आपको आप मान नहीं सकते, तो जब दोनों ने नहीं मानना तो क्या भाई, यही एक जवाब लाख का, तुम अपनी जगह बहुत अच्छे हो, हम अपने स्थान में बहुत अच्छी है, जहां प्रभु ने हमें पैदा किया और जो हमें गीता जी दी और जिसको वो अपना रहे हैं, सो फॉर आवर सेल्फ कंसर्न वी आर बेस्ट, सो फॉर योर लाइफ इज कंसर्न यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस, यही विवेकानंद कह गए थे, यही माँ पर कहती है, देख तू जो लड़न आई है वाद विवाद करने आई है क्या मिलेगा, मन्ना तूने भी नहीं, मन्ना मैंने भी नहीं, देख लो फिर क्या फायदा, बात बढ़ती जाएगी, सच्ची तू भी नहीं झूठा मैं भी नहीं, है नहीं क्या कहेगी, क्या कहे सच्ची तू भी नहीं झूठा मैं भी नहीं, तो बात क्या बनी, मतलब तू ही झूठा है, पर फायदा क्या हुआ, चुप। नारद ये कहना चाहती है, वाह क्या कहा, वादो नावलंबे, वाद विवाद का सहारा नहीं लेना, ये अहंकार होता है, नहीं मेरे अगर आप ऐसी बातें करोगे तो अहंकार प्रकट कर, अहंकार भगवान को अच्छा ही लगता है, जो अपनाई जा रही है वो तो विनम्र हो जाती है, उसमें तो अहंकार रहता ही नहीं, कोई गलत बात भी कह रहा है गुरु के खिलाफ शास्त्र के खिलाफ या गीता जी, तो कोई बात नहीं बोले, तो अपनी जबान खराब कर रहा है, अपने अंतर्गत खराब कर रहा है, क्या बनेगा, आपको कहावत तो पता ही है, क्या महाराज जी पर भगवान कृष्ण पर क्या क्या बातें बनाई जाती है, गीता पर क्या क्या कंट्राडिक्शन कहा जाता है, तो क्या हो गया, चांद पे थूकोगे तो थूक आएगी मुंह पर, चांद पे थूकने से थूक कहा जाती है चंद्रमा पर अपने मुंह पर, तो ऐसी चोटी के शास्त्र और ऐसी अवतारी पर कोई शब्द कहना, अपने अंतकरण को काला करना, अपने को बर्बाद करना है, कितनी अच्छी कहावत है, चांद पे थूकने वालों पर थूक मुंह पर पड़ती, इसलिए आपने वाद विवाद का जवाब नहीं देना, कोई गलत भी कह रहा कहने दो, चुप, एक चुप तो क्या बोलोगे, सौ सुख, आहा एक चुप तो सौ सुख, कईयों में कमजोरी जे मुझे पता है, मैं जानता हूं नारियों में कईयों में कमजोरी है, आप चमक उठती है, कोई जरा गीता के खिलाफ हो ठीक है, कोई गीता की श्रद्धा बहुत बढ़ गई, स्थान की श्रद्धा आपके मन में है, लोगों को क्या पता, ये तो माँ बाप की कदर तो वही जानते हैं जो धिया पुत्र हो, तो अड़ोसियों पड़ोसियों और सहेलियों क्या पता आपकी माँ की क्या कदर, पिता की क्या कदर, इसलिए जिन्होंने भगवान कृष्ण को इष्ट देव नहीं बनाया, गीता के अनुसार जीवन नहीं बनाया, उनको क्या पता, वो क्या उनको क्या पता, हाय बच्चे उनको कहावत मशहूर नहीं, क्या 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 शैतान क्या जाने, अमृत का चस्का, अमृत का चस्का पूछना है तो देवताओं से जानो, उनको क्या पता जिन्होंने कभी उसका प्रयोग ही नहीं किया, इसलिए वाद विवाद नहीं करना, वो अपनी जगह जो भी कह रही है लेट देम चैटर लाइक एनीथिंग, आपने उल्ट के जवाब नहीं देना, वाद विवाद में कोई पड़ जाए, मैं आपको पिछली जीवनियां क्या सुनाऊं, कोई भी नहीं मानने पे आया, वो भी पक्का, वो अपने धर्म में पक्का, वो अपने धर्म में पक्का, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है भाई, भगवान यही कहती है, नले गैर का धर्म, धर्म अपना नाकस भी मर होगा है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर, दूसरे के धर्म में दूसरे के स्वभाव में खतरा ही खतरा है, इसलिए परमात्मा ने जहां आपको पैदा किया है उसी धर्म के अनुसार अपना कल्याण कर जाओ, कोई किसी को मंदा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को अशुभ मत कहो, भगवान बड़े नाराज होते हैं, भगवान कहते भाई उसके लिए मैंने यही बनाया, क्यों अपनी माँ के से लड़ते हो, आपने दलिया क्यों बनाया, बात अच्छी नहीं, रो रहे हो माँ का पल्ला पकड़ रहे हो, माँ के जो है जंपर पोपर धोती पकड़, क्यों तेने क्यों तेने 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 क्यों बनाया, ये दलिया क्यों बनाया, पुत्र मेरी मैं तेरी क्या सुनू, तूने दलिया क्यों बनाया, मैं मेरी का, पुत्र तेरी छोटी बहन बीमार है ना, डॉक्टर दलिया उसके लिए कहा मैंने, उसके लिए बनाया, तेरे लिए देख ये हलवा बनाया, तेरे लिए देख भरथा बनाया, तेरे लिए देख ये आलू की सब्जी, हाय मेरी माँ, मैं तेरे लिए तो ये बनाई बैठी हूँ, ये तेरी बहन के लिए बीमार है,
अगर कोई धर्म आपको पसंद नहीं तो ये उनके लिए सुटेबल है, अगर किसी को ये पसंद नहीं गीता तो आपके लिए सुटेबल है। हायरप्पा दलिया छोटी बहन के लिए सुटेबल है, पर आपके लिए तो मुझे बातें बना रहा था मां के साथ। मां मुझे माफ कर दे, मैंने कहा मेरे लिए। वाद विवाद नहीं करना, मुसलमानों के लिए उनका वो धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन के लिए उनका वो अच्छा है, और ईसाइयों के लिए कुछ और है, पादरियों के लिए कुछ और है, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो अपनी जगह बड़ी अच्छी है, और हमें हमारे लिए तो ये बेस्ट है। हमारे लिए कोई और सूटेबल है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, क्या बोलूं आगे, होगा नहीं। हमारे लिए इष्ट देव कोई और था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हमारे लिए मां शास्त्र गीता थी नहीं, है नहीं, और हो इससे बढ़ के थी नहीं, इससे बढ़ के है नहीं, इससे बढ़ के होगा नहीं। लोगों के लिए भी वो भी यही कहे कि हमारे गुरु से बढ़कर, हमारे शास्त्र से बढ़कर, हमारे स्थान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, और होगा नहीं। क्योंकि रब ने शर्त लगाई है हर एक के लिए श्रद्धावान, इसी को श्रद्धा कहते हैं। अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स योर ओन रिलीजन, अनशेकेबल फेथ है। कितना अच्छा नारद मेरे और आपका कल्याण कर रही है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। परमात्मा ने जिसको जा रखा और उस घर में जो धर्म है, बढ़ते चलो निकलते चलो उसी में रह जाओ। जहां मेरे मालिक से गलती नहीं होती, बंदे से गलती होती है, लेकिन भगवान से नहीं। देख भगवान ने आपको जहां पैदा किया आपके लिए दी बेस्ट, भगवान ने जहां हमें पैदा किया हम अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, इसकी वाद विवाद क्या करना है। नारद तेरा भला हो, कितनी इसलिए हिंदू कौम क्या है उदार चित्त है, ब्रॉड माइंडेड, और मुस्लिम बिल्कुल नैरो माइंडेड, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन और भी नैरो माइंडेड। एक ये हिंदू कौम है जो शुरू से लेकर अब तक ब्रॉड माइंडेड, इसमें सारे समाज आते हैं। एक शहर को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, अभी तो भवन में आया हो, चारों ओर से अपने पगडंडियां बना ली हैं महाराज जी की वाणी सुनने के लिए। एक शहर दे होम दे राह बहुते, इसी तरह ही राह करतार होंगे। रब की जात में जाने के लिए भी तो कई राह है, कोई किसी के राह, कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में, ठीक है, लेकिन सारे आ तो रब की ओर रहेंगे, राह अलग अलग है, आएगा आए हाय आए हाय आए हाय, राह अलग अलग है ना। एक कहावत और सुनाऊं आपको, क्या नदिया एक घाट बहुतेरे, बाबा ठीक है जी, नदिया एक घाट बहुतेरे, घाट क्या होती है, जैसे ये नदी बह रही है तो लोगों ने अपने पास पास से क्या नीचे जमीन खोद के, हाँ उतरने के नीचे ये बना रखे हैं, तक कोई नहाने के लिए जाए, कोई शौच के अंग साफ करने जाए, कोई अपनी मूलियां और अपने गाजरे पथोरने जाए, तो लोगों ने घाट पर उधर घाट है, कोई यहाँ घाट उतरने वाले नीचे, तो नदिया एक बोली आगे, घाट बहुतेरे नदिया एक, उस नदी तो एक जा रही है ना, उधर घाट इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, पर नदिया एक, आयो कहावत तो कितने गजब की, नदिया एक घाट बहुतेरे, इस तरह मेरे परमात्मा एक, उसके जाने के रास्ते अनेक। ओ एक शहर दे हो मदेरा बोते, ओ मेरे गुरुदेव, एक शहर दे हो मदेरा बोते, इसे तराई रा करतार होंदे, ओ रस्ते वास्ते लड़दे रहे नो दिला, बेड़े उना दे कदी न पार होंदे। एक शहर दे होंदे रा बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदी, रस्ते वास्ते लड़दे रहना दिला, बेड़े कदी ना उंदा दे पार। वाह गुरुदेव वाह, मन में बिठा लो, आप तो बिठाए हुए थे, वाद विवाद नहीं करना। हर नारी हर नर जो भी इस मार्ग में लगे वो बड़े अच्छे, हम अपने स्थान पे उत्तम, वो अपने स्थान पे उत्तम है। भगवान बड़े नाराज होते हैं मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, जो दूसरों के धर्म छुड़ाकर सुंदर नारी दे दी पति बना ले, तुझे हम नौकरी दे देंगे, तुझे हम ये कर देंगे, तुझे विलायत में ले जाएंगे, लोगों का धर्म छुड़वा देते हैं। बड़ा भारी पाप है ये, पुण्य नहीं, पता नहीं किस नलायक ने उनकी बुद्धि में बिठाया कि दूसरों का धर्म छुड़ा के अपने धर्म में लाओ। गलत, परमात्मा अपने परमात्मा कहता है मेरे जिसको मैंने गलती की है उसको मैंने आपके धर्म में क्यों नहीं पैदा किया। कौन उनके पास जवाब नहीं, जब विवेकानंद ने अमरीका में भाषण देते हुए कहा था कि तुम जब पादरी वहां जाकर के तुम धर्म छुड़वाते हिंदुओं का, किस बात पर, क्या भगवान से गलती हुई है, अगर भगवान ने बनाना था ईसाई बनाते तो इधर क्यों नहीं पैदा किया, वो इधर विदेश में पैदा हो जाते, जब वो पैदा वहीं हुए गए इसलिए उनके लिए वही अच्छा है, और तुम्हारे लिए यही है जो तुम जहां पैदा हुए हो, तुम्हें यही चाहिए था मादा प्रस्थी मेटेरियलिज्म, तुम्हें तुम ये बहुत अच्छे हो, उन्हीं के शब्द कहकर उनको शर्मिंदा किया। ईस्ट आर वेस्ट होम इज दी बेस्ट, कितना अच्छा बेटे, जो सुख अपने चबारे और ना बलखते ना बुखारे।
ये इन छोटी की कहावत है, पर क्या कमाल का है, ईस्ट आर वेस्ट होम इज द बेस्ट, ईस्ट आर वेस्ट होम इज द बेस्ट। वेदर हिंदी कोई ईस्ट वेदर कोई वेस्ट, पर होम इज द बेस्ट। चाहे किसी भी कोई रहने वाला हो, मेरे मालिक ने जिसको जहां पैदा किया वही ठीक। इसलिए मेरी बेटियों में कईयों में पाता हूं कमजोरी, आज के बाद बिल्कुल खत्म। नारद जी का फरमान मेरी और आपके सेना के ऊपर, जब से मैं इस मारे में लगा मैंने कभी किसी के साथ विवाद विवाद नहीं किया, मेरा अच्छा प्रभाव आप पे पड़ना चाहिए। जब भी कोई आज मैंने यही जवाब दिया तो आपने जगह बहुत अच्छे मेरे बेटे, अच्छा हाँ, और अगर वाद विवाद करोगे तो भगवान नाराज हो जाता, अच्छा माफ करना मैं तो और विचार लेके आ गया था। ना ना पुत्र, तो अपनी जगह बहुत अच्छे हो, जो तुम्हारी माँ ने बनाया है उस जैसा कौन बनाएगा, न देख पराई चोपड़ी ते न तरसावी जी। हाय गए जो आपके चूल्हे पे माँ ने बनाया उस जैसा अमृत और कौन बनाएगा, और जो उसकी माँ ने अपने चूल्हे बनाया उस जैसा अमृत कौन बनाएगा। एवरी वन इज बेस्ट इन इज ओन प्लेस, ऐसा भाव रख के मैं सच्चाई से काम ले रहा हूँ। भगवान बड़े नाराज होते हैं जो दूसरे के श्रद्धा को धर्म को और दूसरे के धर्म के स्वभाव को छुड़ा देता है। हाय भगवान खुश होते हैं, ये नलायक मुस्लिम और क्रिश्चियन जो गलत भाव रखते हैं कि दूसरे जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे मुस्लिम को नहीं मानते, तो वो क्या है, वो काफर है। गलत, काफर वो है जो किसी के धर्म को छुड़वाते हैं। हाय 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 हाय, कितना अच्छा, स्वामी जी ने जाकर वापस आ रहे थे उनके मुस्लिम कंट्री में रुके, हाँ तो यही कमजोरी उनमें सारों में है, तो ये कहा कि तुम्हारा नाम मुस्लिम क्यों बना। हाय 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 हाय, मैं यही आज को आपको भी कहता हूं, इनका नाम मुस्लिम बोलते हैं, ये मुस्लिम है तो जो है मुस्लिम क्यों बना। कितनी ऐसी परिभाषा कौन करेगा जो स्वामी जी उनको बता के शर्मिंदा कर, उन्हीं के देश में उनको शर्मिंदा कर गए। जब रास्ते में वो पानी के जहाज पे आ रहे थे तो रास्ते में जहाज एक मुस्लिम कंट्री में रुका, दो दिन रुकना था, तो स्वामी जी गए लेक्चर देने के लिए, फारसी में बोल रही है, उन्हीं की बोली में बोल रही है, क्योंकि जब तुम्हारी में ये बड़ी भारी कमजोरी है, मैं बताता हूँ कि तुम्हें मुस्लिम नाम क्यों रखा, और कोई रखा गया। तो पूछा कि अय हिंदुस्तान के महात्मा तू ही बता, हिंदुस्तान के पीर तू ही बता क्यों रखा मुस्लिम, मुसल्लम जमा ईमान। आए हाय हाय हाय, मुसलमान का मतलब क्या होता है, मुसल्लम जमा ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो वो मुसलमान, मुसल्लम जमा ईमान इज इक्वल टू मुसलमान। अरे अगर तुम अपने ईमान के पक्के हो तो हर एक इंसान अपने धर्म का पक्का होता है, मुसल्लम जमा ईमान इज इक्वल टू मुसलमान। अगर तुम सारे पक्के हैं अपनी जगह, तभी तो वो उनका मान इधर उधर नहीं जाएगा, चार दिन याद सुन लिया, चार दिन कहीं और चला गया, फिर कोई और गुरु बना लिया, फिर धर्मस्थान और बना लिया, इसे क्या होगा, इसे क्या होगा, धोबी के कुत्ते की तरह ना घर का ना घाट का। इसलिए एक ही जगह आदमी जम जाए, और कहा जमे, जा मेरे परमात्मा ने उनको पैदा किया, ये कहा हमारे माँ पिछो ने, नारद ये कहना चाहते हैं, जहां भगवान ने आपको पैदा किया, सुन मेरी बेटी, जिस घराने में और जिस घराने का वो जो धर्म चलता आ रहा है वही अपना लो, उसी से कल्याण जाएगा। मैंने अभी अभी कहा नदिया एक घाट बतेरी, या मैं फिर गुरुदेव जी के बोल आपको कह के पक्का कर देता हूं, एक शहर देवो मने रामते ओइते तराई रा करतार वोंदे, ओ रस्ते वास्ते लड़दे रहे नु दिला मेरे उना दे कदी ना पार वोंदे। वो कभी भी नहीं, उनका भगवान नाराज जाते, उनके बेड़े कभी पार नहीं होते, जो अपने धर्म के रास्ते में, हमारा रास्ता अच्छा, जैसे मुसलमान बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं ना, जो हमारे नहीं माने वो नरक का गामी है, वो यहां तक कहती है, वो कहते हैं वो काफर है, मुसलमान कहता है, और वो कहती है कि तुम वो नरक में जाने वाला है जो मेरी ईसा से नीली टिकट या पीली टिकट नहीं लेता। वाह वाह, और इधर आपके कृष्ण क्या कह रही है, मेरे पास जिस राह से लोग आए इतनी उदारता, मैं राजी हूं अर्जुन, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते, परमात्मा की कसम कोई शास्त्र ले आओ जिसमें इतनी उदारता दिखाई गई। आहा हा, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी लिबरल माइंडेडनेस, इधर से चले उधर से चले, ये रब बोल रहा है ना, ये परमात्मा बोल रहा है ना, इधर से चले उधर से चले मेरे सब रस्ते, जिधर से चले, कितनी उदारता। इसलिए बेटे ना, ला और बता दूं क्या कहा, कोई कहता तुम्हारे घर में तो ये कमजोरियां, तुम्हारे धर्म में ये कमजोरी है, भाई मेरे तो ज्यादा ना बोल, मैं बताता हूं तुम्हें कोई ऐसा धर्म आएगा जिसमें कोई कमजोरी ना हो। अगर मैं बोले लगे तुम्हारे धर्म में कितनी कमजोरियां है, कितनी कंट्राडिक्शन है, कितनी एक बातों को आपस में काटा गया है, हैं हाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं,
हमें अपने महाराज जी ने कहा है कि हर एक अपनी जगह अच्छा है, हमने बैठना से नहीं करने, बड़ी कमजोरी होती है। रब ने आपको क्या कहा है कि धर्म अपना नाकस भी मरहूब है, अगर अपने धर्म में कोई कमजोरियां बताता भी है तो भी नहीं छोड़ना, क्योंकि रब ने आपको उसी जगह पैदा किया। और जो कहता हमारे में गुण ही गुण है, ऐसा नहीं सकता, तीन गुणों से दुनिया बनी है, कोई ना कोई कमजोरी जरूर आपके धर्म में होगी। कैसे? भगवान ने कितना अच्छा कहा, जहां भी है आतिश धुआं, जहां अग्नि होगी वहां धुआं भी होगा, जहां गुण होगे वहां पर अगर 10 गुण है तो एक अवगुण भी जरूर होगा। आय हाय कैसे मुंह बंद किया प्रभु ने, जहां भी है आतिश धुआं साथ है के कामों में अर्जुन जिया साथ, जहां क्वालिटी होगी वहां कोई ना कोई बैड क्वालिटी भी होगी। आहा शाबाश निमनोरमा, हाँ थोड़े दिन की बात थी आपके, मैंने सुना घर में लड़ाई हुई। हुई क्या? मेरी श्रीमान ने मैंने गिन गिन के गालियां निकाली, मेरी माँ को निकाली, मेरे बाप को निकाली, मेरी भाभी और मेरे भाई को है, और बड़ी गंदी गंदी बातें निकाली। अच्छा फिर मेरे को नीचे आ गया, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कोई गालियां नहीं दी उनको, मैंने इतना कहा श्रीमान जी आप दूर होकर क्यों बोलते हो, मेरे पास आ जाओ, मैंने कुछ कहना है, मैं तो आपकी पत्नी और भी गालियां निकाल लो, तो तुमने कैसे उनको चुप कराया? श्रीमान जी आपने जो कुछ भी कहा मेरी झोली में, लेकिन क्या आप गंगा की कसम खा के ये कह सकते हैं कि आप में कोई कमजोरी नहीं? क्यों नहीं? मैं ये कैसे गंगा कसम खाऊं? क्या आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं? नहीं है। फिर उनको क्या हक है जिनमें अपने में कमजोरी हो दूसरी कमजोरियां, मेरे माँ बाप की मेरी भाभी की, मुझे गालियां दी आपने, जब आप में कमजोरियां हैं तो फिर दूसरे को देख है मनोरमा मनोरमा बिना छुरी के मेरा नाक काट रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही, आप में नहीं कमजोरियां। हमारे यहाँ कहावत है महापुरुष बता गए छज तो छाने, पर छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद, छज में तो कुछ छेद नहीं होता, तो छान देगा जो कुछ भी आटा उटा डालोगे, लेकिन छाननी तो नहीं छने उसमें छेद है, वो तो इंसान किसी को कहे जिसमें अपने में अवगुण ना हो, और जिसमें कई अवगुण उसे क्या हक है दूसरे का अवगुण देखने का? सुना वाद विवाद नहीं करना, अनेकों में कमजोरी जे साधना पर ठप हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, अगले ने मानना नहीं, आपने भी नहीं मानना तो बात क्या बड़ी, लड़ाई झगड़ा हो गया, मन में बेचैनी होगी, दो दो ढाई घंटे लग जाएंगे मन को चैन में लाने के लिए, इसलिए इस कमजोरी को यही रख के पैर की एड़ी के नीचे कुचल दो। बेटी आपका मन नरम होता है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते अपने धर्म के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, गीता कोई बात नहीं, तो सारे तो हो नहीं सकते, कुछ सारे माने, उनको मानना भी नहीं चाहिए, उनको अपने धर्म के जहां भगवान ने पैदा किया उनको, उनके लिए वो बेस्ट है, हमारे लिए यही है जो हम ले रहे हैं, हमारे लिए ये बेस्ट है, दूसरे को हमें कुछ समझाना महापाप है, इसलिए हमारे लिए पाप है दूसरे को हम समझाने जाए, नहीं भगवान रोकती है ये राज उससे मत के, ऐसा को मैंने कोई शास्त्र नहीं देखा जिसमें उड़के पैरों का उसके बनाने वाले में ये कहा हूं ये राज उससे मत कहे, जो श्रद्धालु नहीं सुनने का प्रेमी नहीं जो आलोचक है ये राज उससे मत कहे, जो बदजबान नुक्ता ची जो सुनने का कहा नहीं इच्छुक नहीं, ये भगवान सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में तो आपने कई बार पाठ किया है, भगवान चेतावनी देते हैं कि ये ना उससे मत कहे। आहा तो फिर किसको कहूं, पहले तू मेरा भगत बन, अच्छा मेरे दर्शन कर, अच्छा फिर मेरे भक्तों के बाद जाके कहे, मेरा भक्त होकर भाई जो नियाज जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, भगवान ने ये शर्त लगाई कितनी सुंदर, इसलिए मेरी मान लेना नारद जी के अनुसार मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं, मेरे में कभी वाद विवाद का भाव नहीं पैदा हुआ, मेरा प्रभाव अपने पर डाल लो, बिल्कुल किसी से वाद विवाद नहीं करना, इतनी मुद्दत से प्रचार कर रहा हूं, देख लो बेटे हर एक को यही कहा तुम अपनी जगह बहुत अच्छे हो, तुम ये बात कहने आए मेरे बेटे ना, हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, सब बड़े प्रसन्न होके गए, बड़ी लड़ाई झगड़े या प्रभात शुरू में पहले करते थे अब तो नहीं होता, तो यही मैं कहता बेटे तुम जो भी बात कह रहे हो किस लिए कह रहे हो, तुम्हें जहां पैदा हो वो ठीक है तो अपनी जगह बहुत ठीक है, और ये जो हम गीता जी सुन रहे हैं हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, तुम कैसे कहने आए हो कि मैं अपनी माँ छोड़कर, ये जो उस कहीं को याद होगा जो मुद्दत से आ रही है, मैं अपनी माँ छोड़कर के आपको अपनी माँ बनाऊ, नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं, मेरी माँ मेरे लिए अच्छी नहीं, तो मेरी गीता मेरे लिए अच्छी है, आपका वो शास्त्र आपके लिए, क्षमा करना जी मैं जा रहा हूं, मुझे अब समझ आई, मैं अपनी माँ इसलिए छोड़ दूं कि आप अपनी माँ के गुण गा रही हो, नहीं, और मैं अपनी माँ के गुण गाऊं तो अपनी माँ छोड़ देगा, नहीं, एवरीवन बेस्ट इन हिज ओन प्लेस, मन में रख लो वो गलती करे पर हम गलती पे गलती ना करें, कोई और गलती करती है तो आप गलती ना करना बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उत्तम, मेरी माँ मेरे लिए उत्तम, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए उत्तम है, मेरा धर्म मेरे लिए उत्तम है, यूनिक है, मैचलेस है, अनपैरेलल है, ये नरक है, इससे क्या होगा मन शांत होगा, और शांत मन भक्ति कमाता रहेगा,
नहीं मैं बकवास कर गया, शांत मन निरंतर भक्ति कमाता रहेगा, शांत मन निरंतर भक्ति कमाता रहेगा। मेरी बेटियों, मेरी कसम, मेरी गीता की कसम और इस व्यास गद्दी की कसम, ये कमजोरी अभी निकाल के घर चले जाओ कि आपने किसी से वाद विवाद नहीं करना। ना मेरे बच्चे, भगवान मैं सच्चाई से कह रहा हूं, वो प्रभु जी नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं नलायक, मैंने जिसको जहां रखा है वो उत्तम है। बनाने वाले तो भगवान है ना, भगवान ही ये कह सकती है ना, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, वो माँ बाप है हमारे, उन्होंने जिसको जहां पैदा किया और जहां पैदा किया और जो वो धर्म है उसके घर का बेस्ट उत्तम, समझे मेरी बेटी। जो वो वाद विवाद करने आई है ना, उसकी गलती है, आप गलती पर गलती ना करो, वो गलती को समझा दो। तुम जिस जगह पैदा हुई ना, तुम्हारे लिए वो ठीक है, और हम जिस जगह पैदा हुए हमारे लिए ये उत्तम है। अगर तेरी बातें मैं सुन को तेरा कहना मान के मैं तुझे अपनाऊं, हाँ तुम्हें अपना नहीं सकती, क्योंकि शुरू से मुझे ये बातें माँ ने बताई, पिता ने बताई, गली मले वालों ने बताई, चाचा ने, चाची ने, नानी ने, नाने ने, दादी ने, दादे ने बताई, वो बातें मेरे में धसी पड़ी है, वो निकलेगी नहीं। अगर मैं तुम्हारी तरफ चला भी गया उसको इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, और इधर कई दिन मेरे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या? कागज चला हंस की चाल, क्या बोलूं आगे, अपनी भी खो गए। हाय कितनी अच्छी कहावत है, कागज चला अपनी भी, तो मैं अपने धर्म को छोड़ के तेरे धर्म को लूं, मैं अपना भी गवा बैठूंगा। हाय 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 हाय, कागज चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। ना मेरे बच्चों, ना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जहां मेरे मालिक ने आपको पैदा किया है, इससे अच्छा घराना नहीं हो सकता था, इस जो उस घराने का खानदान का धर्म है उससे बढ़ के धर्म नहीं हो सकता था, इसलिए जो मेरे मालिक ने किया बहुत अच्छा। वाद विवाद करने वाले बुरे इंसान होती हैं, मैं बार बार कहते जा रहा हूं, भगवान की नजर से गिर जाती हैं, और अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते, समझी, अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते और वाद विवाद करने वाले कभी अपनाते नहीं। आहा आहा, उधर मुसलमान छेड़ा करते थे, वो कोई लड़कियां मुस्लिम वो थी पर्दे में, तो वो पर्दा घर से तो करती है, बाजार में ऊपर उठा देती, आगे खोल देती, पूरी ताड़ियां मारते, उनके मुसलमान उन्हीं को ताड़ियां मारते, हम लोग तो मस्त रहते थे, पर वो उन्हीं को शर्मिंदा करते क्या, और वो शर्मिंदा होकर के पता नहीं क्या उनके एक शब्द में भूल गया, वो चुटकी भरते उनको शब्द बोलते, साइकिल चलाते हुए एक शब्द कह जाते, वाह पर्दा ऊपर उठा रखा है, सोचो ए सोचो पर्दा ऊपर उठा रखा है, वाह वाह, और बातें मनाई जा रही है, तो वो बोलते थे अरे अरे पर्दों में जो रहती है सोचो, वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी हारे हो गए, हारे हो गए, बैठ वास्ते करने वाले कभी अपनाया नहीं करते, और अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते। जो अपनाने में लग गया कभी वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, और जो वाद विवाद में पड़ा हुआ है वो कभी अपनाएगा नहीं, फिर भगवान की नजरों से गिर जाएगा ना। नबीना, अपनाना है वेरी गुड, और वाद विवाद करना वेरी बैड, वेरी बैड। इससे फिर एक बुराई आई दूसरी बुराई और हो जाएगी, दुनिया में नियम है, अगर एक गुण अपनाओ दूसरा गुण आ जाएगा, एक अवगुण लो तो एक अवगुण के साथ दूसरा अवगुण जरूर आएगा, ये प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे ना। हम तो भगवान द्वारा बताए गए क्या पॉजिटिव गुण लेंगे, और इनकी जो जो बकवास करती है, लोगों के धर्म छाते फिरती है, इनके कोई भी नहीं आज तक, क्या इनको बुराई कहा गया, जिन्होंने बुराइयां की आज तक बुराई कहा गया ना, ये बड़ी भारी बुराई है किसी का धर्म छुड़वाना, उनसे बहस मासे करना, वाद वाद करने, मतलब तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं मेरा धर्म अच्छा है, तो भगवान तो बड़े नाराज, तो भगवान ने गलती की क्या, उनको उस धर्म में पैदा किया और वो मेरा धर्म छोड़ा, भगवान से गलती हो गई है जो मुझे इस धर्म में पैदा किया, कदापि नहीं कदापि नहीं कदापि नहीं। फिर कह दूं, जो सुख अपने चबारी वो न बलख न ईस्टर वेस्ट, बोलो आप, होम इज दी बेस्ट, आवर ओन रिलीजन इज दी बेस्ट, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए ये अच्छा है। तो जो शुरू से बुराइयां करते गए, हाँ आज तक सदियां गुजर गई, लोग उनको बुराई कह रही है, और जो भलाइयां करते गए आज तक उनको भला ही कहा जाता है, और लोग शुभ प्रेरणा लेते हैं। देखिए बुरे व्यक्ति जो बुरे थे आज तक उनसे उनको इंसान लानते मारता है ना, और जो भले थे भलाई के लिए अवतार लेके आए थे, आज तक हम भगवान से कितनी छोटी की ज्ञान ले रही है और अपना कल्याण करके बढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रहे हैं, वाह। अभी देखो तो जाओ, जाओ वृंदावन हुआ हो, मथुरा हुआ हो, या इर्द गिर्द जाम भगवान जी के बाहरी रूप में मंदिर बने हुए, वहां देखो सही, अभी तक वृंदावन में जयकारे लग रही है। एक वो मंदिर है, भगवान आपका भला करे, बाकी बिहारी का मंदिर, फिर वहां बाहर होके सुनो तो सही, नारे लगती हैं, बाबा क्या मैं भी नारे लगवाऊं, बुरा तो बुरा ही रहेगा ना, और भला भला रहेगा। शुरू से जिन्होंने बुराइयां की उनको आज तक जहां बुरा बुरा कहेगा, तो वाद विवाद भी एक बड़ी जबरदस्त बुराई है। और दूसरे को समझा देना
ज्ञान देने की बड़ा भला होता है। आहा ना, कहीं मैं कमजोरी, और मुझे पूरी आशा है मेरी बच्चियां इस कमजोरी को छोड़ देंगी। मेरे कई बुजुर्ग, उनको रोटी नहीं हजम होती, कई मेरी जवान भी ऐसी बासमत लेकर भगवान के नजरों से गिरती है। आज के बाद नहीं, इस समय से बाद बिल्कुल भी नहीं। हर एक व्यक्ति जो जहां पैदा हुआ है और जो जहां पैदा और जो उसका धर्म है उसके लिए उत्तम, उसी को अपना के अपना कल्याण कर जाए, शाबाश, वरना भगवान नाराज होते हैं। जिन्होंने भगवान किस रास्ते को छोड़ा, आज तक देखो, मैंने अभी कहा था बांके बिहारी के मंदिर में, बार जयकारे क्या लगते हैं, अभी तक बुरा तो बुरा ही रहेगा, तक सदियां गुजर जाएंगी, योग आ जाएंगे, आए हाय आए हाय आए हाय, तो जो मैं जयकारा लगा रहा हूं, बुरे को बुरा ही कह दो, भले को भला ही कहोगे ना, तो जो बुराइयां करेगा तो बुरा ही कहलाएगा, लानत ही खाएगा, और भलाइयां करने वाला हमेशा दुआएं लेता जाएगा। वाद विवाद करना बड़ी भारी बुराई है, और लानते खाते हैं, और अपनाने वाले जनता से दुआएं लेके गए, और दुआएं आज तक जनता दे रही है उनको। आए हाय आए हाय आए हाय, जरा मेरे साथ श्यामल, क्या वो मैंने लगवानी तो थी कैसे, पर आज टाइम गुजर गया था, कैसे वृंदावन में जय जयकार हो रही है, वाह, और कैसे लानते मारी जा रही है कंस को, जो बुराइयां कर गया, वाद विवाद कर गया, कैसे बुरा, किसने जयकारे, नवीन में जयकारे निकाल लिए इनको, कोई शक नहीं, अभी और आगे समय गुजरेगा तो कंस तो लानते ही खाएगा, और कृष्ण से जीव चोटी का ज्ञान लेके तरता जाएगा। हाय, आइए जरा मेरे साथ ये दो जयकारे लगा के आरती उतारे, वाह 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 मेरे प्रभु वाह, आइए जरा जी बाबा, हाँ जी बोल बाबा, हम भी बोलेंगे, ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, कंस का भांजा वेरी गुड, ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, कंस का भांजा वेरी गुड। आज तक हो रहा है, शताब्दियां गुजर गई, युग गुजर जाएंगे, कंस को लानते पड़ती रहेंगी और कृष्ण को अवतारी समझकर उनसे ज्ञान ही प्राप्त करते जाएंगे। परमात्मा करे भगवान के इस चोटी के ज्ञान से जो हमारे लिए वेरी वेरी गुड है लेकर के अपना कल्याण कर जाए। किसी के साथ हमारा कोई वाद नहीं, विवाद नहीं, बहस विवादसा नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, कोई किसी के साथ हमारा रत्ती भर भी नहीं, हर एक अपनी जगह जहां प्रभु ने जिसको पैदा किया है वेरी गुड वेरी, जब दूसरे के धर्म छुड़ाया जाता है वेरी बैड वेरी बैड, भगवान की नजरों में वेरी बैड है और दुख पाता, और जो अपने धर्म में रह करके तरता जा रहा है वेरी गुड वेरी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।